अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि रमजान का मंथ है, तो लास्ट टाइम हमने दही फुल्की की रेसिपी बनाई थी और उसमें रिक्वेस्ट की थी कि नेक्स्ट रेसिपी चना चाट की बनाएगा। तो आज हम बनाएंगे चना चाट की रेसिपी, जो बहुत आसानी से बन जाती है और इफ्तारी में बहुत शौक से खाई जाती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम बाउल में ऐड करेंगे 250 ग्राम बॉइल्ड चने, दो बॉइल्ड क्यूब्स में कट हुए हुए आलू, सोख बूंदी 250 ग्राम, मैंने चाट बनाने से आधा घंटा पहले बूंदी को सोख कर लिया था, एक क्यूब्स में कट हुआ हुआ टमाटर, एक स्लाइस्ड अनियन, तीन हरी मिर्चें, धनिया, 1 टेबलस्पून सॉल्ट यानी नमक, 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर यानी सूख मिर्च, 1/4 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 2 टेबलस्पून चाट मसाला, इमली का पल्प और ये सब इंग्रेडिएंट्स ऐड करके हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा सिंपल हैं और हर किचन में इजीली अवेलेबल होते हैं। ये रेसिपी ना सिर्फ इफ्तारी में बनाई जाती है बल्कि इवनिंग स्नैक या आप मेहमानों के आगे भी सर्व कर सकते हैं, और आजकल तो वैसे ही रमज़ान में बहुत शौक से इफ्तारी में खाई जाती है। सब इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के बाद जिस बाउल में आपने चाट को सर्व करना है उसमें डाल देंगे। ये देखें हमारी चाट कितनी चटपटी लग रही है। हम इसके ऊपर इमली की चटनी डालेंगे और दही डालेंगे। चाट के प्रेजेंटेशन के लिए हम इस पर पापड़ी, टमाटर और पुदीना डालेंगे। आपको जो पसंद है आप वो डाल सकते हैं। और ये हमारी लजीज चाट अब रेडी है। इस रमजान हमारी रेसिपी जरूर ट्राई करिएगा और हमें